वेलकम टू आईएनटी सीबीटी। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग वी सेंटर सर्वर पार्ट 3। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल किया था, ठीक है, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में हम हमारे वी सेंटर सर्वर को हम हमारे वी स्फीयर क्लाइंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं अपने वी स्फीयर क्लाइंट को क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आईपी एड्रेस और होस्ट नेम में यहाँ पे क्या डालेंगे हम, के तो आप आईपी एड्रेस डालिए या फिर होस्ट नेम डालिए आपके वी सेंटर सर्वर का। ठीक है, मैंने क्या डाल दिया है यहाँ पे, आईपी एड्रेस डाल दिया है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूज विंडोज सेशन क्रेडेंशियल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा वी सेंटर सर्वर है वो कायम में चल रहा है, डोमेन के अंदर चल रहा है। ठीक है, और हम इस कंप्यूटर के अंदर किससे, हमारे एंटरप्राइज एडमिन से लॉग इन है। ठीक है, इसलिए मैं किसका यूज करता हूँ, यूज विंडोज सेशन क्रेडेंशियल का यूज करता हूँ। ठीक है, और किस पे, मैं लॉग इन पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। आपको सर्टिफिकेट वार्निंग आएगी। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, इग्नोर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा क्या हो रहा है, वी स्फीयर क्लाइंट वी सेंटर से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या आ रहा है, योर एवोल्यूशन लाइसेंस विल एक्सपायर विद इन 59 डेज। हमारा जो वी सेंटर है वो क्या है, एवोल्यूशन वर्जन है 60 डेज का। ठीक है, वो 59 डेज में एक्सपायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको क्या करते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड में कि हम क्या कर रहे हैं, हम अभी वी स्फीयर क्लाइंट से किससे, आपके वी सेंटर सर्वर से कनेक्टेड है, और आपका वी सेंटर सर्वर क्या करेगा, आपके होस्ट को मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका वी सेंटर सर्वर क्या होता है, ब्लैंक होता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको होस्ट को एड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब अभी जो हम चलते हैं वो हम होम टैब पे चलते हैं। ठीक है, ये क्या आ चुकी है मेरे सामने, वी सेंटर सर्वर की होम स्क्रीन आ चुकी है। ठीक है, जब हमने वी स्फीयर क्लाइंट से ESXi को डायरेक्टली कनेक्ट किया था तब हमें ये क्या मिले थे, ऑप्शन कम ऑप्शन मिले थे। ठीक है, बट अब हम जब हम वी स्फीयर क्लाइंट से वी सेंटर सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे जो ऑप्शन है वो क्या हो गए, बढ़ गए हैं। ठीक है, आपको इन्वेंट्री में ऑप्शन बढ़ गए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में रोल ऑप्शन बढ़ चुके हैं, और एक और जो नया टैब आ गया वो आ गया मैनेजमेंट। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट है आपका लाइसेंसिंग। ठीक है, जो आपका वी सेंटर सर्वर जो आता है, ठीक है, मैं वी सेंटर सर्वर की बात करूं तो वी सेंटर सर्वर जब आप वी स्फीयर खरीदते हैं तो आपका वी सेंटर नहीं आता है। ठीक है, आपको वी सेंटर क्या करना पड़ेगा, अलग से क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी सेंटर के दो एडिशन आते हैं। ठीक है, वी सेंटर के दो एडिशन आते हैं, जो कि एक पहला एडिशन है आपका फाउंडेशन, दूसरा है आपका स्टैंडर्ड। फाउंडेशन का यूज, फाउंडेशन एडिशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, 3 होस्ट तक मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको 3 से अधिक होस्ट क्या करना है, मैनेज करना है, तो आप किसका यूज करेंगे, स्टैंडर्ड का। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो वर्जन है वो कौन सा है, एवोल्यूशन वर्जन है। ठीक है, हमने जो, ठीक है, अब अगर हम वी सेंटर का लाइसेंस डालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम कहां पे जाएंगे, लाइसेंसिंग पे जाएंगे। ठीक है, लाइसेंसिंग में हम जाएंगे मैनेज वी स्फीयर लाइसेंस। ठीक है, और यहां पे क्या कर देंगे हम, लाइसेंस की को क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, यहां से आप वी सेंटर को की लाइसेंस की एड करने के साथ साथ आप ESXi की भी क्या कर सकते हैं, लाइसेंस की एड करवा सकते हैं। ठीक है,
आपके ESXi को भी क्या कर सकते हैं, आप लाइसेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, फिर से हम कहां चलते हैं, होम टैब पे चलते हैं। ठीक है, अगली जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेटाबेस के बारे में। ठीक है, कि जब भी आप vCenter सर्वर के लिए डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो अब आपको आपके डेटाबेस एडमिन आपसे पूछेगा, आपका डेटाबेस एडमिन आपसे पूछेगा कि आपके डेटाबेस की साइज क्या होगी। ठीक है, ताकि जो वो क्या कर सके, डेटाबेस एडमिन क्या कर सके, आपकी जो डेटाबेस है उसको क्या कर सके, उतना स्पेस क्या कर सके, अलोकेट कर सके। ठीक है, तो अब बात यह आती है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो डेटा, आपकी जो डेटाबेस होगी वो इस साइज किस कितनी किस साइज की होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको आपको यहां आना पड़ेगा vCenter पे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है vCenter सर्वर सेटिंग्स। ठीक है, इसके ऊपर आप जाइए। ठीक है, यहां पे आप जाइए स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे 50 होस्ट और 2000 वर्चुअल मशीन अगर आपके होस्ट vCenter पर रन हो रही है, ठीक है, मैनेज हो रही है। ठीक है, तो आपको कितना, आपकी जो डेटाबेस की साइज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 14.32 GB होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने इन्वायरमेंट में इमेजिन कीजिए हमारे पास कितने रहेंगे, 20 होस्ट है। ठीक है, और मशीनों की बात करूं तो हमारे पास कितनी मशीन है, 500 मशीन है। ठीक है, तो हमारी हमें कितनी, हमें जो हमारी जो डेटाबेस की साइज होगी वो कितनी होगी, एक एस्टिमेटेड है कितनी होगी, 3.89 GB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर को बता देंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेटर को, कि हमारे डेटाबेस की साइज जो होगी वो क्या होगी, अराउंड 4 से 5 GB की होगी। ठीक है, ताकि वो क्या कर देगा, डेटाबेस को 5 GB का स्पेस क्या कर देगा, अलोकेट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप डेटाबेस की साइज क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी डेटाबेस की साइज, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी जो vCenter की डेटाबेस है उसकी साइज क्या होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।